भारत में स्थित किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाना बड़ा ही आसान है। ऑनलाइन खुलवा सकते हो, ऑफलाइन खुलवा सकते हो, लेकिन आजकल तो ऐसी बैंकें आ गई है जिनका पूरा कारोबार ही ऑनलाइन चलता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन तो आसानी से हो जाता है, लेकिन क्लोज करवाने के लिए आपको कितना चार्जेस देने की जरूरत है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा में दो प्रकार के अकाउंट ओपन होते हैं, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। तो पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। तो आपका यदि बैंक मेट्रो या अर्बन में आता है, अलग अलग कैटेगरी होती है ना, सेमी अर्बन, अर्बन, रूरल, मेट्रो। तो पहले बात करते हैं मेट्रो या अर्बन की। तो उसमें यदि आपने अकाउंट ओपन करवा लिया है और अकाउंट ओपन करने के दिन से लेकर 14 दिन के अंदर यदि आप अपना अकाउंट क्लोज करवाते हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। और यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसके परिजन उसका अकाउंट बंद करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल फ्री में उसका अकाउंट बंद कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि 14 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और 1 साल से कम समय हुआ है, जैसे किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं हुए 6 महीने हो गए, तो उसको कितना चार्जेस देने की जरूरत है। तो उसको ₹300 देने होंगे अपना अकाउंट क्लोज करवाने के लिए। लेकिन ये ₹300 केवल दो अकाउंट होल्डर को नहीं देने होंगे। दो बैंक ऑफ बड़ौदा में इस प्रकार के अकाउंट है, यदि वो अकाउंट आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन किए हुए हैं, तो आपको ये ₹300 देने की जरूरत नहीं है। वो अकाउंट कौन से हैं? स्मॉल सेविंग बैंक और बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट। तो यदि ये बैंक अकाउंट आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन किए हैं, तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है यदि ये अकाउंट आप बंद करवाते हो। अब बात करते हैं मेट्रो और अर्बन की, तो बात कर ली। अब बात करते हैं रूरल और सेमी अर्बन की। तो इसमें भी सेम यही रूल काम करते हैं। यदि आपने अकाउंट ओपन करने के दिन से लेकर 14 दिन के अंदर अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवा दिया, तो आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 14 दिन से ज़्यादा का समय हो गया और 1 साल से कम समय में यदि आप अपना बैंक अकाउंट क्लोज करवाते हो, तो आपको ₹275 देने की जरूरत है। यदि आप ₹275 दे देते हो, तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। तो करंट अकाउंट में पहले दिन से लेके 14 दिन के अंदर तो अकाउंट क्लोज करवा दे, तो कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। और यदि 1 साल से कम और 14 दिन से ज़्यादा का समय हो जाता है और आपका अकाउंट करंट अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो आपको ₹800 देने की जरूरत है, यानी उस पर ₹800 का चार्जेज आपसे लिया जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट बंद करवाने के लिए आपको कितना चार्जेज देने की जरूरत है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।